राजस्थान में मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने की मांग की गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता डेनिश अबरार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से मिले दानिश अबरार ने कहा कि भाजपा में अपने घोषणाओं में मदरसा पर टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 37 पे 12वां नंबर इन्होंने पॉइंट रखा था कर्मचारी कल्याण का और उसके पेज बिंदु नंबर 12 का सब पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने कहा था कि राजीव गांधी पाठशाला की जो पैरा टीचर जो प्राथमिक पैरा टीचर हैं, मदरसा के पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी, इन तीनों की नियमन के लिए एक समिति का गठन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आ गई, आज लगभग चार साल इनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, समिति का गठन तो कर दिया लेकिन उस समिति की नीति आज तक नहीं बनी। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो नीति कब तो बनेगी, कब इम्प्लीमेंटेशन में आएगी और कब भर्ती होगी। और इन तीनों संगठनों के अध्यक्ष मेरे साथ आर्य जी चौधरी, बलवीर चौधरी जी, आर्य जी और मदरसा के पठान साहब, तीनों संगठन के मौजूद हैं। 15,000 लोगों की ये सवाल है, नौकरी का सवाल है, और 15,000 नौकरियों का सवाल है। इसलिए हमने हर संवेदनशील कर्मचारी की तरफ से एक गुलाब रखा है। हम 15,000 गुलाब लेकर माननीय मंत्री महोदय के घर पे, हम सिर्फ 4 आदमी यहाँ पे आए हैं, ताकि इन गुलाबों की खुशबू से मंत्री जी को क्या पता अपना मैनिफेस्टो याद आ जाए, और याद आने के बाद जो उन्होंने वादा अपने मैनिफेस्टो में करा है वो पूरा करें और इन गरीब पैरा टीचरों का भला हो सके। राजस्थान विधानसभा में सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन